इंदौर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने फूल सिंह भरैया के खिलाफ प्रदर्शन किया और डीआईजी को ज्ञापन सौंपते हुए फूल सिंह भरैया पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। आपको बता दें कि बीते दिनों फूल सिंह भरैया ने आम सभा को संबोधित करते हुए भगवान राम के बारे में भद्दे शब्दों का प्रयोग किया था और स्वर्ण जाति को अपशब्द कहे थे। सभी हिंदुओं को विदेशी लोग बताकर भारत से निकल जाने की बात कही थी। वहीं फूल सिंह के इस बयान के बाद प्रदेश भर में विरोध जारी है। फूल सिंह भरैया है, ये कांग्रेस के एक प्रत्याशी हैं जिन्हें स्वर्ण समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी करी और स्वर्ण समाज के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करा। उसी के विषय में आज डीआई साहब के पास आए हैं हम उनको ज्ञापन देने कि इन जैसी गंदी मानसिकता वाले जो लोग हैं जो आज देश की अखंडता को खंडित करने में लगे हैं, जो एक तरफ बता रहे हैं कि ये जो हिंदू हैं ये विदेशी हैं और ये इन हिंदुओं को देश से बाहर करेंगे और प्रभु श्री राम के बारे में इनको कुछ जानकारी नहीं है, प्रभु श्री राम के बारे में जो अपशब्द कह रहे हैं, महिला जाति के बारे में अपशब्द कह रहे हैं, जो आज देश के बारे में बोल रहे हैं कि हम 85 करोड़ हैं, 15 करोड़ हैं, एक जना 6-6 को मारेगा, इस प्रकार की जो गंदी अभद्र टिप्पणी है उसी को लेकर हम डीआई साहब के पास आए हैं कि इसमें डीआई साहब प्रकरण दर्ज करें। हिंदू महासभा की तरफ से आज ज्ञापन दिया गया फूल सिंह भरैया जी द्वारा जो उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग और अभद्र टिप्पणियां हुई है उसके खिलाफ उनके कार्रवाई के लिए उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया।